एकेश्वर ब्लॉक का चमाली गांव है, और यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे काफी लोग यहाँ पे एकत्रित हैं, और यहाँ पे खास एक एग्जाम्पल सेट हो रहा है। जो दाई ओर मेरे बैठे हैं यहाँ पे, ऋषिपाल सिंह नेगी जी, आप जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें अंडर सेक्रेटरी रहे डिफेंस मिनिस्ट्री में, और आप जो है प्रधान का चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से। और ये कई लोगों के लिए एक मजाक का विषय हो सकता है कि प्रधान जैसे छोटे पद के लिए जो व्यक्ति अंडर सेक्रेटरी रहा हो वो चुनाव लड़ रहा है। तो देखेंगे, उनसे जानेंगे और लोगों की प्रतिक्रिया भी लेंगे कि वो आखिरकार दिल्ली से यहाँ आकर अपने गांव में आकर क्यों बसना चाहते हैं, क्यों काम करना चाहते हैं। और उनके बगल में है जैकेट सिंह बिश जी, जो इसी गांव में रहते हैं, ये उन्हीं का मकान है, और समाज सेवी हैं, समाज के लिए काम करते रहते हैं और इस इलाके की समस्याएं लगातार उठाते रहते हैं। तो आइए बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले जो इस कार्यक्रम के बिल्कुल केंद्र बिंदु पे हैं नेगी जी, उनसे बातचीत करेंगे, उनका परिचय जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्यों दिल्ली से आकर अपने गांव में यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। नेगी जी, सबसे पहले तो आप बधाई की बात रहे, अंडर सेक्रेटरी लेवल पे आपने काम किया। आप चाहते तो दिल्ली में आराम कर सकते थे, घर में रह सकते थे, लेकिन आप यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे जो चुनाव है, पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, उसमें अपनी सक्रिय भूमिका अदा कर रहे हैं। लोग बड़े पदों के लिए लड़ रहे होंगे, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत के लिए भी लड़ रहे होंगे, लेकिन आपने एक ग्राम प्रधान का जो पद है वो चुना है, ऐसा क्यों? तो ये है कि भाई हम तो हमारी शिक्षा दीक्षा सब यहीं हुई है, 8वीं तक हम यहीं पढ़े हैं, और गांव में हमने बचपन से लेकर 8वीं तक, जबकि 12-14 साल तक जितने काम गांव में होते हैं, पानी भी लाए, हल भी चलाया, हमारे तो को आदत भी गुड़ी हो जा है कि नहीं, मतलब सारा काम बड़े का बेसिक समस्या हम शुरू बड़े जान सौ। अब हम नौकरी के लिए बाहर चले गए थे, हमारी मजबूरी थी, यहाँ हमारे पास रोजगार के साधन नहीं है, तो हमारी मजबूरी थी, हम नौकरी के लिए बाहर गए। लेकिन शुरू से ही हमारे दिल में ये इच्छा थी कि भाई कभी रिटायर हो गए, ठीक ठाक स्वास्थ्य रहा, तो हम अपने गांव में वापस जाएंगे, ये हमारा शुरू से प्लान रहा। और ये रिटायरमेंट होते ही मैंने ये शुरू कर दिया था, मैंने अपना मकान बनाया है यहाँ पे, वहाँ पे हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा था, डेयरी का हमारा पहले विचार था, तो 2 साल से हम उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। अभी वो पूरा नहीं हो पाया है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ अभी डेवलपमेंट चली रही है और हमने कुछ ना कुछ करना है। तो इस बीच क्या है, जब हम गांव में, मैं रोज हमेशा आता रहा सर्विस के दौरान भी, मैं ऐसा कोई मौका नहीं है किसी ने शादी में बुलाया और हम ना आए हों, मैं हर साल 4-5 बार अपने गांव आता रहा सर्विस के दौरान पूरे। तो गांव की समस्याएं हमने शुरू से बारीकी से देखी है, ठीक है, और हमने ये भी देखा है कि हमारे यहाँ सबसे शुरू से लेके अभी तक एक ही रट रहती कि पलायन पलायन पलायन, लेकिन उसके बारे में बड़ी बड़ी योजनाएं बनती है, रोजगार के अवसर पैदा करो, ये करो, वो करो, लेकिन बेसिक चीजें कोई नहीं जानता, बेसिक चीजें कोई नहीं जानता, या पानी नहीं है, बेसिक चीजें कोई नहीं जानता, हमारे इतने गांव है, एक बस सर्विस नहीं है यहाँ के लिए, ठीक है, यहाँ स्वास्थ्य केंद्र कोई नहीं है, दस हमारा नवाखान में पता नहीं कितने सालों से हॉस्पिटल है, आज वहाँ एक ब्लड टेस्ट की सुविधा नहीं है। पाटीसैंड में हमारा स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है, मेरे ख्याल से अभी 25-30 साल हो गए होंगे, इसमें अभी बेसिक एक्सरे तक की सुविधा नहीं है। तो हमने ये सब देखा है कि वो चलो सर्विस के दौरान हम बाहर रहे, और हमने ठीक है जो भी अनुभव हमने अपने सर्विस के दौरान किया है, तो हमारा ये है कि हम कितना कर पाएंगे ये मुझे नहीं पता, लेकिन अपनी कोशिश तो करें। अब यहाँ एक चीज यहाँ पे ये रहती है कि जो लोग यहाँ पहाड़ों में चुनाव लड़ने के लिए आते हैं, हाँ, खासतौर पे हाँ, विधायक के या ठीक है, सांसद के हाँ, जब ठीक, हाँ, चुनाव होते हैं तो ठीक, पैराशूट कैंडिडेट यहाँ पे हाँ, आते हैं, ठीक है, और तो जीतने के बाद वो गायब रहते गायब हैं, होता है, और जो हार जाते हैं वो तो हाँ, बिल्कुल ही गायब हो गायब हो जाते जाते हैं, हैं वो फिर बिल्कुल, 4 या 5 साल बाद अगर आते हैं हाँ तो तब तक जनता उन्हें भूल चुकी होती है। हाँ तो क्या आप चुनाव जीतने या हारने की भी, और दुर्भाग्य होगा अगर हाँ हारते हैं यहाँ पे चुनाव, क्योंकि हाँ तो इतना पढ़ा लिखा आदमी तो मुझे नहीं लगता कि पूरे इलाके में कोई होगा, तो तो क्या आप यहाँ रहेंगे गांव में? भाई ऐसा है ना, इन लोगों ने राजनीति को बना दिया व्यवसाय, इन्होंने राजनीति को अपना कैरियर बना रखा है, विधायक बनता अपना कैरियर है उनका, राजनीतिक पॉलिटिक्स उनका कैरियर है, जैसे हम सर्विस में रहे सर्विस हमारा कैरियर था, इन्होंने अपना कैरियर चुना है पॉलिटिक्स, तो हमारा पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। हमने कल प्रधान बनूंगा, कल मैं विधायक बनूंगा, कल मैं, अब मैं इस उम्र में हूँ, कल मैं ये नहीं सोच सकता कल मैं एमपी का चुनाव लड़ूं, सोच तो सकते हैं इस तरह से कुछ काम करेंगे वो चीज़ है, लेकिन राजनीति हमारा व्यवसाय नहीं है, हम अपनी सरकारी सेवा से निवृत्त होकर आए हैं, हमारे सफिशियंट पेंशन है, सब कुछ है, हमें इसके लिए कुछ अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कुछ नहीं चाहिए,
और ये हमारी बड़ी सिंसियर है, बड़ी मतलब दिल से तमन्ना थी कि चाहे कितना कर पाए हम, कल हम छोटा सा काम भी यहाँ कर पाए, हम यहाँ पे प्रोजेक्ट शुरू करें, मैं बड़ी बात नहीं करता, अगर 4 लोगों को मैं यहाँ पे लगा पाया, 4 लोगों को यहाँ पे रोजगार दे पाया, तो मैं समझूंगा भाई मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया। ठीक है, वही है जैसे हमारे यहाँ बेसिक समझ, पानी नहीं है हमारे यहाँ, इतनी बस सर्विस नहीं है, कल तो आप देख रहे हो कल हमारे बहुत सारे लोग जो है कोटद्वार में अटके रहे, क्योंकि बस सेवा, एक बस सेवा इधर के लिए नहीं है, टैक्सी टैक्सियां है मनमाना, जितना बोलेंगे उतना देना है, हमारे यहाँ तो एक अगर 4 बजे हम पार्टी स्टैंड में अटक गए तो हमें टैक्सी बुक करके आना, नहीं तो हम आ नहीं सकते। तो ये सब बेसिक समस्याएं हैं, इनके लिए भी थोड़ा प्रयास करेंगे। और बाकी ये जहां तक रही पलायन की बात, तो मैंने बताया मेरा तो यहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहा है, हमने इतने पैसे यहाँ लगा दिए, मैंने अपनी रिटायरमेंट की पूंजी यहाँ लगा दी है। अब ये किस इसलिए चीज का नहीं, प्रोजेक्ट चल रहा है अब आपका? मेरा पहले तो अभी हमारा डेयरी का था, कि कॉम्बो प्लान था, डेयरी मुर्गी पालन बकरी पालन ऐसा है, लेकिन इसमें थोड़ा डिले हो गया, डेयरी का थोड़ा वाइबल नहीं लग रहा कि मतलब भाई नफा नुकसान वाली बात है, लेकिन वो भी बड़ी ना गायें दूध नहीं देती, हमने भी देखा है। चारे की प्रॉब्लम। बेसिक बिल्कुल क्या है कि यहाँ, अब यहाँ डेयरी डेवलपमेंट वाले बहुत है, एनिमल हस्बेंड्री वाले डिपार्टमेंट बहुत है, बोलते हैं इतनी मतलब इन्होंने बेसिक समस्या नहीं देखी है। हम भी इस पे आगे सबने बोला कि उद्योग लगाओ हम मदद करें, हर डिपार्टमेंट ने बोला, लेकिन उन्होंने बेसिक समस्या ये नहीं देखी कि भाई हम गाय लाएंगे उसके लिए चारा कहाँ से आएगा, अब मैं कोटद्वार से चारा मंगाऊँ कितना मंगाए, यहाँ लोकल स्तर पे स्थानीय स्तर पे इन्होंने ऐसा कोई डिपो नहीं बना रखा, चमाली बड़े सारे 50 गांव, इनके लिए आपस में पशु विभाग कहीं एक डिपो खोल दे, देसी गाय कोई घर में नहीं पाल सकता, अगर इनको चारा आराम से उपलब्ध हो जाए यहाँ पे, अगर चारा उपलब्ध सतपाली में चारा मिल जाए तो कोई भी गाय पाल लेगा, हर घर में कोई बड़ी गाय पाल सकती है। तो वही है कि आप जब एक तक समस्या आप, और होती है यहाँ पे, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, हाँ जो विपणन केंद्र है, हाँ अगर कोई उत्पादन किसी का है, माल्टा वो पैदा कर रहा है कोई चीज, या कोल्ड स्टोरेज नहीं है, बिल्कुल तो वो भी एक दिक्कत आती है। तो छोटे स्तर पे कुछ सोचा है आपने कि बिल्कुल गांव में अगर हाँ कोई उत्पादन हो रहा है तो उसका क्या करेंगे? हाँ मेरा तो यह था कि अपने हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी प्रोजेक्ट है, ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रोजेक्ट ऐसा, अभी हम जिस स्तर पे कर रहे हैं उसके स्तर के लिए हमें इतनी मार्केटिंग की समस्या नहीं होगी जहां तक मेरा ख्याल है, लेकिन अगर हम उतना उत्पादन कर पाए तो हम सरकार को भी बोलेंगे विपणन केंद्र बनाओ, एक सहकारी समितियां बनाओ, सहकारी समितियां सब जगह, एक समिति यहाँ बनाओ, हमें हम बनाने को तैयार है, हमें सहयोग करो, हमारा यहाँ पे विद्यालय, वहाँ 400-300 विद्यार्थी हैं, 100 का स्टाफ है, अगर हम लोग एक केंद्र बन जाए हमारा, कहीं पे सब्जी इकट्ठा करने का केंद्र बन जाए, 3-4 गांव में आजकल लोग यहाँ 8 सब्जियां होती हैं, आज की इस सीजन में यहाँ 8 सब्जियां हो रही हैं, लौकी तोरी सीताफल करेला टिन वो ये सब मतलब बीन्स, 8 सब्जियां हैं, अब अगर हम 300 बच्चे हमारे यहाँ रोज 30-40 किलो सब्जी खाते हैं, अगर यहाँ पे एक केंद्र ऐसा बन जाए कि इनका 2 किलो लौकी होगी, आज हमने लौकी जमा करनी, इनकी 2 किलो होगी, उनकी 4 किलो होगी, उनकी 3 किलो होगी, ऐसे ऐसे करके हमने 40 किलो लौकी यहाँ पे जमा कर दी बैंड में और स्कूल में सप्लाई कर दी, तो 5-10 रुपए, 10 रुपए किलो, 20 रुपए किलो जो भी मिलेगा हर एक को ये लौकी सड़ने की बजाय वहां जाएंगी, तो बस सर कि हमें यहाँ ऐसा कुछ केंद्र बन जाए तो हम। चलिए आपसे घंटों बात हो सकती है, बिजी भी है साथ में, हाँ लीजिए प्लीज आप बैठिए। बिजी आप तो पहले से ही काफी, हम लोग आपस में मिलकर कई समस्याओं को उठाते हैं और आप लगातार गांव में ही हैं यहाँ पे लंबे समय से, इस बार जो क्षेत्र पंचायत का चुनाव है वो लड़ रहे हैं आप इस सीट से, कई और लोग भी लड़ रहे होंगे, आप क्या अलग सोच के लड़ रहे हैं और क्या है प्लानिंग आपकी? प्लानिंग यही है कि देखिए किसी काम करने के लिए आप तो खैर ये नहीं कि पद की आवश्यकता होती है, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि यार बगैर पद के हमें कोई पूछता नहीं, क्योंकि पद रहने से एक बल मिलता है और समाज में क्या है कि एक उसको व्यक्तित्व तो कह लीजिए कि जब आदमी पद जितना बड़ा पद हो उतना बड़ा वो बड़ा अपने स्तर से कार्य करवा सकता है समाज के लिए। तो मैंने एक अपना ये सोचा कि चलो यार क्षेत्र पंचायत से मैं अगर चुनता हूँ तो शायद इससे ही प्रमुख बना जाता है और बनाए उसमें क्या है कि जब आप ब्लॉक प्रमुख बनते हैं तो और आपको एक बल मिलता, फिर आप बड़े स्तर पे कार्य करते हैं। तो मैं वैसे राजनीति वाला आदमी हूँ और करीबन 30 साल से मैं इस क्षेत्र में हूँ और कई लोगों से, राजनीतिक लोगों से और बड़े बड़े जो पदों पे लोग हैं तो उनसे मेरा अच्छा तालमेल है, उनसे बातचीत है, तो मैं सोचता हूँ कि क्यों ना उसका उपयोग हम आम लोगों के लिए करें, यहाँ के लोग अगर उसका उसको किसी को लाभ मिलता है
तो एक समाज का विकास होता है, विस्तार होता है। तो एक इस तरह की विचारधारा लेके चल रहा हूँ और एक स्पष्टवादी हूँ, सीधा कहता हूँ, दबंगता से काम करता हूँ और कराता हूँ। क्योंकि ना मुझे पैसा कमाने का शौक और ना ही मुझे ठेकेदारी करने का शौक। यहाँ क्या है, यहाँ मैंने अमूमन देखा है कि जो लोग प्रधान बनते हैं, प्रधान एक छोटी सी पोस्ट है, तो कभी प्रधान कभी सोचता नहीं था पहले कि मैं ठेकेदार बनूं। मैंने यहाँ पर अधिकतर लोगों को, प्रधानों को ठेकेदारी करते हुए देखा है, क्षेत्र पंचायत के लोगों को ठेकेदारी करते हुए देखा, और मेरे ख्याल से अधिकतर आज की डेट में जितने भी लोग हैं, चाहे वो विधायक हों, चाहे वो ये छोटे मोटे पद के लोग हों, सब के सब यहाँ ठेकेदार। और ये ठेकेदार लोगों ने ही यहाँ का शोषण किया हुआ है। अब इनके शोषण के कारण क्या होता है, आम आदमी भुगतता है। जिस सड़क को 4 किलोमीटर बनना होता है, इनकी स्वयं के लाभ के कारण वो 1 किलोमीटर भी नहीं बन पाती, क्योंकि उसमें कमीशन ही इतना इनका आपस में। और वो सिस्टम, वो जो व्यवस्था है, मैं उसका विरोधी हूं। और मेरा अगर आपने ठेकेदारों के लिए कहा कि ठेकेदार वो करते हैं, जी, लेकिन मुझे लगता है कि केवल ठेकेदार ही नहीं, जो नेता है वो सूत्रधार होते हैं। वो फिर नेता जो है वो काम ठेकेदार को दिलाता है, और वही ठेकेदार फिर आगे उसके लिए प्रचार भी करता है, पैसा भी संसाधन लगाता है। तो बिल्कुल मैं मुझे लगता है कि नेता सबसे बड़ा जिम्मेदार है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, जिम्मेवारी नेता की बनती है, लेकिन कई जगह ऐसा होता है, मैं इसमें आपकी बात को काटूंगा, कि कई नेता अनपढ़ भी होते हैं, अज्ञानी भी होते हैं, लेकिन उनको सिखाता कौन है, ब्यूरोक्रेट। ठीक है। और दूसरी बात क्या है, एक सिस्टम ऐसा बना हुआ है, हर आदमी क्या सोचता है कि अभी नेता खड़ा है, चलो भाई मुझे कुछ दे। अब दे मतलब कोई कहेगा मुझे दारू दो, कोई कहेगा मुझे खाना दो, कोई कहेगा मुझे पैसा दो। तो वो एक सिस्टम ऐसा हो रहा है कि नेता की भी मजबूरी बन जाती है कि मैं कहाँ से लाऊंगा भाई। तो वो कहीं ना कहीं होगा, तो वो तो फिर वो अपने जो है ठेके जैसे लेता है डिपार्टमेंट से, तो वो अपने 4 गुर्गे पाल लेता है इस और इलाके लिए उनको। आपने खास तौर पे क्या सोचा है कि ये प्रमुखता से ही काम करने हैं यहाँ पे? यहाँ पर देखिए, मेन तो यहाँ पे अभी जो छोटी, यहाँ तो जो छोटी मोटी समस्या है, वो भी अभी लोगों की, कईयों की, देखिए आप, पेंशन नहीं है, एक बहुत छोटी सी समस्या। एक आप कईयों के आधार कार्ड नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, वो नहीं है। और मेरा जो विचार है, जैसे मैं, लोग कहते हैं कि पलायन पलायन, देखिए पलायन तो यहाँ कोई रोक नहीं सकता, जो मैं देख रहा हूँ 2 साल से। क्योंकि यहाँ पर एक तो जो नई पीढ़ी है वो काम करने को तैयार नहीं, जिस पीढ़ी को कुदाल चलाना नहीं आएगा, हल चलाना नहीं आएगा, वो यहाँ करेगा क्या? हर आदमी को सरकार नौकरी नहीं दे सकती। तो मैंने अभी, जैसे मैंने अपना विचार बनाया है, एक सौर ऊर्जा का मैं प्लांट लगाने जा रहा हूँ। मैंने उसके लिए अप्लाई किया हुआ है, और साल भर के अंदर सौर ऊर्जा का प्लांट लगेगा, उसमें 2-3 लोगों को मैं रोजगार दूंगा। और इसी तरह से मैं ये सोचता हूँ कि जैसे अभी सबसे जो मुख्य, जो मेरे दिमाग में बात चल रही है, यहाँ जो लोग हैं वो खेती नहीं कर पा रहे, उसका कारण क्या है? एक तो जंगली जानवर। तो मैंने कई लोगों से एक बात करी है कि भाई आप एक काम करिए कि हम सामूहिक खेती कर लेते हैं, हम एक जैसे चकबंदी टाइप की, और एक जगह हम जब करेंगे तो उसमें हम तार लगा सकते हैं। जब हम तार बाड़ करेंगे तो उसमें जैसे छोटा मोटा करंट का सिस्टम लग जाएगा, तो जंगली जानवर जैसे सूअर जो दिक्कत करता है, या कोई भी जंगली जानवर उसको नुकसान देता है, तो वो नुकसान नहीं हो पाएगा। तो सबसे मेरा मेन पहला यही टारगेट है कि यहाँ की खेती को कैसे बचाया जाए, लोगों को कैसे काम पे लगाया जाए, और अन्न का उत्पादन कैसा। आप जानते हैं कि चौबट्टा खाल चौनकोट का इलाका पहले से ही ऐतिहासिक रूप से काफी यहाँ के लोग सक्रिय रहे हैं समाज सेवा के लिए, काम करने के लिए। और यहाँ तक कि उस जमाने में कम से कम 50-60 साल पहले, जहाँ तक मुझे याद है, जन शक्ति मार्ग भी यहाँ के लोगों ने बना दिया था। तो इस इलाके के कुछ प्रबुद्ध लोग हमारे साथ हैं जो काफी पढ़े लिखे हैं, और दुर्भाग्य से इन लोगों को यहाँ से पलायन करना पड़ा होगा किसी जमाने में, लेकिन आज ये सारे लोग यहाँ पे लौट आए हैं और इस इलाके की जो स्थिति है उसको सुधारना चाहते हैं। भाई साहब, आप कुछ बताइए, अपने बारे में परिचय दीजिए। मैं तो एयरफोर्स से रिटायर हूँ, जी ऑनरी ऑफिसर। जी एक्चुअली ये जो भाई साहब प्रधान के लिए खड़े हैं, ऋषि पाल नेगी जी, ये एक दिन का प्लानिंग नहीं है, ये काफ़ी दिन से प्लान कर रहे थे। क्योंकि वो भी रिटायर हुए, मैं हम भी रिटायर हुए, मैं भी रिटायर हुए, और भी हैं हमारे भाई, ऐसे नहीं कि यहाँ पे काबिल नहीं है। लेकिन क्या है, प्रधान एक को बनाया जाता है, और ऐसे नहीं 10 आदमी खड़े होने से कोई फ़ायदा नहीं है। और जो काम करना, हमने एक टीम बनाई, जैसे बिष्ट जी ने कहा कि
कि हम ये प्लान रुक नहीं सकता। मैं सोचता हूँ मेरा थोड़ा डिफरेंस है इसमें कि प्लान रुक सकता है। हमने टीम ऐसे बनाई है कि जो यहाँ पे बेरोजगार हैं, मेन प्रॉब्लम है बेरोजगारी। पानी वगैरह तो ठीक है, टाइम टू टाइम आ जाता है, कभी आता है कभी नहीं आता है। बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। तो जो इन्होंने जो ऐसे जैसे ये सौर ऊर्जा की बात कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ कुछ मिलेगा, भाई साहब ने कुछ अपना प्रोजेक्ट खोला है। हम ये चाहते हैं कि जो ठेकेदारी वाली बात है, ठेकेदारी जो प्रधान लेता है, हम ये नहीं होने देंगे। हम कोशिश करेंगे जो बेरोजगार है, अगर उनको रोजगार नहीं मिलता है तो हमने ये डिसाइड किया है, वार्ड मेंबर है जो भी बनाएंगे बाद में जब भी जीत जाएंगे तो ठेकेदारी उनको पहले दी जाएगी जिनके पास यहाँ पे जॉब नहीं है। ये थोड़ा हमने प्लानिंग कर रखी है। फिर और भी व्यवसाय हैं, और भी खोलेंगे, बहुत सारे लोग जुड़ने वाले हैं इससे। पहले प्रधान नहीं बनेंगे तभी जुड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं कि प्रधान बनेंगे तभी जुड़ेंगे। लेकिन प्रधान बनने से हम इनको खड़ा इसलिए किया है कि प्रधान बनेंगे थोड़ा इनको अप्रोच रहेगी, ऊपर तक अपनी बातें निकाल सकते हैं। और हमने एक टीम, अच्छी टीम, पढ़े लिखे लोगों की टीम बनाई है, जैसे विश जी हैं, ये भाई साहब हैं। तो क्योंकि जो काम करवाना है, काम कराने के लिए, तो अगर मैं जाऊँगा मेरे को कोई नहीं सुनेगा। प्रधान वो बोलेंगे मैं ग्राम प्रधान का हूँ या मैं क्षेत्र पंचायत हूँ या प्रमुख हूँ, तो उनको अप्रोच करने के लिए सारे लोग हैं, उनको अप्रोच करेंगे जो भी इनकी समस्या होंगी और वो तुरंत सॉल्व हो जाएंगी। प्रॉब्लम वही है कि सबसे मुझे जो लगता है, जो लोगों को लगता होगा कि बेरोजगारी, हाँ चकबंदी की बात इन्होंने अभी की है, चकबंदी एक अच्छा सुझाव है। उसके लिए भी प्रधान के किसी का नेतृत्व तो होना चाहिए, नेतृत्व तो बहुत जरूरी है। और नेतृत्व तक क्या है, प्रधान है, क्षेत्र पंचायत में है, ब्लॉक लेवल से कुछ एड मिलेगी, एड दिला सकते हैं कोई पदाधिकारी। आम लोग इस काम को नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम टीम देखते हैं। अभी तो चुनाव, परसों चुनाव है, क्या होता है, नहीं भी होगा फिर भी हम कोशिश करेंगे क्षेत्र का प्लान रोकने के लिए, हम कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। धन्यवाद। मेरे साथ यहाँ पे एक और भाई साहब हैं, आप भी बाहर से, दिल्ली से संभवतः आए हैं, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। हाँ जी, मैं वस्त्र मंत्रालय के एक संस्थान से रिटायर हो गया हूँ। मैं भी, मेरे भाई साहब हैं जो एक प्रधान के लिए यहाँ उम्मीदवार हैं। ये आज की बात नहीं, हम पहले से ही, हमारे एक विचारिक तो लगाव है हमारे को अपनी जगह से, हम तो शुरू से ही यहाँ आते जाते रहे हैं। दूसरा, हम कभी जब मीटिंग में या कभी छुट्टियों में या कभी शादियों में कभी मिला करते हैं दिल्ली में, तो बार बार हम गांव की बात करते हैं, लेकिन गांव हर कोई कहता यार वहां जाके करना क्या है, कैसे करना है। तो हमने सोचा कुछ प्रयास करना चाहिए। दूसरी बात, हमारा अपना स्वार्थ ये है कि हमें एक अच्छा लगता है और हमें ये लगता है हमारा स्वास्थ्य ज़्यादा अच्छा रहेगा यार रिटायरमेंट के बाद, तो इसलिए हमने यहाँ ये सोचा। दूसरा, मैंने ये देखा कि जैसे हम प्लान की बात करते हैं, प्लान का तो एक समस्या तो है ही, इसमें तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसकी वजह है कि जैसे कुछ सरकारी योजनाएं हैं ना, योजनाएं पेपरों में तो हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं है। और इम्प्लीमेंट कैसे करना है, यहाँ मुझे तो ये लगता है कि यहाँ ब्लॉक लेवल पे जो यहाँ कर्मचारी हैं इनको भी पूरी नॉलेज नहीं है कि हमने इम्प्लीमेंट कैसे करने है। तो यहाँ से हर युवा भागता है, वहाँ यहाँ रोजगार मिलता नहीं, या जो बुजुर्ग आदमी उनको ये लगता है हम असहाय हैं, यहाँ हमारे को यहाँ कोई देखने वाला नहीं है या कुछ है नहीं यहाँ। तो इन योजनाओं को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, इसमें हम अगर कुछ कोशिश कर सके या अपने आप को हम साबित कर सके कि हम ऐसा कर सकते हैं, तो शायद थोड़ा बहुत इसमें। अच्छा, जैसे अभी सेंटर की एक योजना अभी आई है, मैंने पढ़ा है कि ये उत्तराखंड में और J&K में और नॉर्थ ईस्ट में इस पंचायत चुनाव के बाद शुरू कर रहे हैं कि जैसे गांव का कोई आदमी कहता है भाई मुझे इलेक्ट्रिशियन का काम मुझे करना है, या कोई कहता है मुझे फिटर का काम करना है, कोई इंटरेस्ट रखता है कि मुझे ये मेसन का काम करना है, तो ये गवर्नमेंट अपनी तरफ, सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है ये, हर ग्राम पंचायत से आदमी जाएगा, 45 दिन की उनकी ट्रेनिंग होगी। ये अभी आई है नई योजना, अभी कब इम्प्लीमेंट होती है देखने वाली बात है। और उसमें होगा क्या कि उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, इलेक्ट्रिशियन का मिलेगा, उसको प्लम्बर का मिलेगा, तो एक तो वो अपने गांव में उसकी एक तो रेट फिक्स हो जाएगा कि भाई 400 का आदमी है 600 का आदमी है, एक तो ये हो जाएगा। और जितनी योजना भी यहाँ की जो सरकारी योजनाएं भी होंगी ना, उसमें वो रिकॉग्नाइज होगा, उसका वो सर्टिफिकेट एज इलेक्ट्रिशियन वो कर सकते। मतलब ये बड़ा छोटी सी बात है, छोटा प्रयास है, लेकिन ये कर सकते हैं, धीरे धीरे ये चीज़ें हो सकती हैं, ये ग्राम लेवल पर ये हो सकती हैं। धन्यवाद भाई साहब।
एक बोडी जी भी ना बोडी जी सबसे पहले होता है अखरोट के लेने पानी मेवा बोडी बोडी जी को भी विचार जाना बोडी आप क्या चाहना बेटा हम तो ये चाहना कि हमारे गांव का नौ ना जत का रिटायर रहना चाहिए वो सब घर आ जाए और जो सास सोचे ना वो जब बुआ रही हो अखरोट पकाना कौन होएगी ना तो सास थे घर रहते हैं ठीक है पर सास जो जो दगड़ मार रहे घास तैयार नहीं चाहिए मतलब सासू और नोनू गाँव और बुआरी दगड़ तो थी वो जब बुआरी नौकरी निकाल दी तो सास और क्या नौक है ना आज जाओ नौकरी कर दी तो मजदूरी रहने की और हमारे बुआ जब नौकरी नहीं कर दी तो नौना था समझ अब बहुत अच्छा हमारे गांव का नौना जो है ना कोई प्रधान बना ला कोई क्षेत्र पंचायत बना ला कोई विधायक बना ला कुछ बना ला तो हमारे गांव जो रुकावट रह जाल जो पलायन वो रुक जाल बस ये खुशी चाहते आप देख सकते हैं कि मेरे ख्याल से जो उत्तराखंड के मंत्री हैं उनको बोडी जी से कुछ सीखना चाहिए कितनी गंभीर बात उन्होंने बोली है कि जो लोग रिटायर हो गए हैं जो दिल्ली या बाहर रहते हैं वो गांव में आ जाए तो काफी हद तक पलायन रोके जा सकते हैं। मैं यही रहती हूँ जी मेरी शादी को 10 साल हो गया मैं बहू हूँ इस गांव की मैंने शादी के बाद ही गांव देखा है शादी से पहले मैंने गांव देखा ही नहीं था कैसा होता है मुझे 10 साल हो गए इस गांव में रहते रहते बहुत अच्छा है हमारा गांव पर बस एक ही चीज देखी है मैंने कि रोजगार के साधन नहीं है इस गांव में क्या कहीं भी गांव में इसलिए ज्यादा पलायन हो रहा है अगर रोजगार के साधन हो जाए आप जॉब करती हैं हाउसवाइफ है मैं हाउसवाइफ ही हूँ मेरा अच्छा, पार्लर है अच्छा अच्छा गांव में जी तो ये भी एक एग्जांपल सेट कर रही है कि गांव में ब्यूटी पार्लर आपने खोला हुआ है कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट से जुड़ी हुई चीज है अगर आप कर रही है तो साथ में कुछ महिलाएं और भी आपको हेल्प कर रही होंगी धन्यवाद प्लीज तो ये परिचर्चा घंटों हम बातचीत कर सकते हैं यहाँ चमाली गांव में आप देख रहे हैं कि अंगूर की बेल भी है ऊपर जो बीस जी ने यहाँ पे लगाई हुई है और ये अंगूर खाने के लिए भी सब लोग लालायित हैं कि ये कार्यक्रम समाप्त हो तो कुछ अंगूर काले अंगूर है फिलहाल मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि ये अंगूर जो है इस बार के पंचायत चुनाव के वो पहाड़ के लिए मीठे जरूर होंगे और कुछ अच्छे जनप्रतिनिधि चाहे वो प्रधान हो चाहे वो क्षेत्र पंचायत सदस्य हो चाहे वो जिला पंचायत स्तर पर जीत के आए वो पहाड़ का भला जरूर करेंगे जागो उत्तराखंड के लिए चमाली एकेश्वर से आशुतोष नेगी।